हमारा देश आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और पूर्वोत्तर रेलवे आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनेकों कार्यक्रम कर रही है, जिसके संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और रेलवे आइकॉनिक वीक के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दो ट्रेनें गोरखधाम एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस के एसी कोच पर महापुरुष एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के चित्र लगाए गए हैं तथा साथ ही साथ 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगाने की मुहिम चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत सभी रेलकर्मी अपने आवास पर तिरंगा लगाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस मुहिम से जुड़े और सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। इस 15 अगस्त को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा रेलवे कर्मचारियों को अपने घर पर खुद लगाना होगा, क्योंकि आज़ादी का महोत्सव और देशभक्ति सबकी है, इसलिए सभी लोग अपने खुद घरों पर तिरंगा लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस क्रम में रेलवे अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिनमें से अभी 18 से 23 जुलाई के बीच में हम लोगों ने आइकॉनिक वीक का सेलिब्रेशन किया। इसके बाद हम लोगों ने एक रेक है गोरखधाम और चौरी चौरा में चलती है, उसके एक एसी कोच में हम लोगों ने उसके विंडो पर महापुरुषों के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र लगाए हैं। साथ ही साथ 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर पर तिरंगा लगाने की मुहिम भी हम लोग चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी रेलकर्मी अपने आवास पे तिरंगा लगाएंगे। और सभी दर्शकों से भी मेरी अपील है कि इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि इस 15 अगस्त हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस अवसर पर सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और इसको अच्छे से मनाया जाए, ऐसी अपील है। सर, क्या रेलवे तिरंगा प्रोवाइड कर रहा है कि कर्मचारी अपने जो आवासों पे तिरंगा लगाना है वो कर्मचारी को खुद परचेज करके लगाना है। ये देशभक्ति और ये जो आज़ादी जो हम मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, ये सबकी है। हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि तिरंगा खुद से परचेज करें और परचेज करके लगाएं। इसमें जो फ्लैग कोड है उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। जो गाइडलाइन इशू हुई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो होना चाहिए 3:2 का रेशियो होना चाहिए, प्रॉपर जो झंडे का सम्मान होना चाहिए वो होना चाहिए कि उस झंडे से ऊपर कोई और झंडा आपके घर में ना लगाओ, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। हम लोग मीटिंग्स में और अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके भी जिन ऑफिस के जो यूनिट इंचार्ज हैं उनको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उनसे भी बात करी गई है कि इस बार 75वीं वर्षगांठ जब हम लोग मनाएं तो सभी रेलकर्मी अपने आवासों पर तिरंगा झंडा लगाएं।